नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो ये मेरा नाइट रूटीन है और नाइट रूटीन में मेरा यही काम रहता है जो सब हाउसवाइफ्स का रहता है। तो मैं भी खाने की तैयारी कर रही हूँ। ये थोड़े से चावल मैं डुगू के लिए बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि उसे डॉक्टर ने बोला है कि आप इसे बॉईल चावल उसमें दही वगैरह डाल के वो देना। तो उसके लिए थोड़े से राइस बॉईल कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। तो आप मेरे कुकिंग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे कुकिंग चैनल का नाम है रोशनी की रसोई। तो आप वहाँ पे जाके मुझे सपोर्ट करें। तो ये मेरा नाइट रूटीन इस तरीके का रहता है। लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। आज मैं बहुत ज़्यादा, एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी, आप देख ही सकते हैं, मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ सही से। गर्मी की वजह से ना कपड़े चेंज हो रहे हैं ना कुछ कर रही हूँ, बस गाउन में ही हूँ। तो इस वजह से थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मैं वीडियोस नहीं बनाऊँगी तो अपने यूट्यूब फैमिली से दूर हो जाऊँगी, क्योंकि यही ज़रिया है आपसे जुड़े रहने का। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, जैसी भी हूँ, जो भी है आपके सामने हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं, वीडियो नागर नहीं होनी चाहिए, बाकी काम तो चलते रहेंगे, कामों का क्या है। तो एक ही बैंगन था, मुझे लगा कि होगी सब्जी, सब्जियाँ भी नहीं हैं। तो जो था फिर मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। बैंगन कम था तो मैंने आलू ज़्यादा डाले। और आपको बाहर की वॉइस आ रही होगी, क्योंकि मैं ये नेक्स्ट डे में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो प्लीज़ उस पर आप ध्यान मत देना। इसीलिए मैंने आलू ज़्यादा ले लिए। तो हम हस्बैंड वाइफ ही हैं तो कोई टेंशन भी नहीं होती इतनी, कम ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो इस वजह से तो ये वाली मैंने फुल वीडियो अपने चैनल पे डाली थी। तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मुझे वहाँ पे जिस तरीके से आप इस चैनल पे सपोर्ट दिखा रहे हो, उसी तरीके से आप उस चैनल पर भी मुझे सपोर्ट दिखाएं प्लीज़। चलिए ये हो गई हमारी सब्जी कट। अब इसको मैं फटाफट हाथों हाथ धो लूँगी, क्योंकि बैंगन ना बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। जितनी देर में आप मसाले तैयार करोगे ना, इतनी देर में ये काले हो जाएंगे। तो इसको एक बार पानी से निकाल के रख दोगे तो ये काले नहीं होंगे, ना आलू काली होगी और ना बैंगन। तो बाकी सब मैंने रख दिया वापस फ्रिज में, जो भी आलू वगैरह थे। मुझे सब्जियाँ भी लानी हैं, सब्जियाँ बिल्कुल ख़त्म हैं। तो चलिए देखते हैं, लेने जाऊंगी सब्जियां, फिर आपको भी लेके चलूंगी अपने साथ मंडी। मैं तो कहीं भी जाती हूँ आपको अपने साथ लेके जाती हूँ, मुझे पसंद है। तो ये थोड़ी सी अदरक ले ली मैंने, दो हरी मिर्च ले ली और टमाटर। तो इसको मैं काट लूंगी, इसमें तो पीसने का कोई झंझट नहीं है, इसको तो काट के बना सकते हूँ। तो इसे कट कर रही हूँ। और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, किस तरीके के टॉपिक पे मैं व्लॉग्स बनाऊं, आप कमेंट नहीं कर रहे हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ मैं किस टाइप के व्लॉग बनाऊं। क्योंकि अभी तो मुझे जैसा समझ में आ रहा है मैं वैसे ही व्लॉग। तो इसी तरीके से मेरा नाइट रूटीन रहता है। और बीच में अभी कॉल आ गया था तो वॉइस ओवर करते करते फिर मुझे वो बीच में कट करना पड़ा। तो यही रहता है मेरा नाइट रूटीन। और आप भी मुझे बताएं कि मैं किस टॉपिक पे लेके आऊँ, मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। क्योंकि मैंने नई ही वीडियो शुरू करी है, मुझे इतना आइडिया नहीं रहता। जो है जैसा है मैं वैसा ही आपके साथ शूट कर देती हूँ। और मैं नेचुरल ही रहना चाहती हूँ, मैं फेक कुछ भी नहीं दिखाना चाहती कि हूँ मैं कुछ और मैं दिखा कुछ और रही हूँ। तो वो चीज़ मुझे ना आती है ना मुझे पसंद है। तो इसीलिए मैं जैसे ही हूँ अपनी डेली रूटीन आपके साथ इसी तरीके से शेयर करती रहूँगी, जैसा मुझे समझ में आता रहेगा वैसे। और कुछ आप मुझे बताते रहें कि आप इस पे बनाओ या इस पे बनाओ, या कुछ पूछना है, क्योंकि मुझे और भी चीज़ों पे वीडियोस लानी हैं। लेकिन मुझे अभी, मैं डुगू के लिए परेशान हूँ, तो भी मैं कर रही हूँ कंटिन्यू कि रोज़ एक ब्लॉग तो आपके पास जाए। क्योंकि मुझे थोड़ी डुगू की अभी टेंशन है, इसकी थोड़ी टेंशन से मैं फ्री हो जाऊं और फिर मैं शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस, व्लॉग्स, सब चीज़ों पे मैं अच्छे से काम करूंगी। तो ये देखिए आगे मैं ये सब्जी बनाने के प्रोसेस पे।
तो ये मैंने हींग डाल दी थी, जीरा डाल दिया था, उसके बाद हरी मिर्च, अदरक, टमाटर डाल के भून लूँगी इसे गलने तक। और गलने के बाद फिर मैंने सब मसाले डाल के सब्जियाँ डाल दी सारी। तो इसमें मैं पानी नहीं डालती। और अगर आप कुकर में सब्जी बना रहे हो तो सूखी सब्जी बनानी है कुकर में तो आपको पता है पानी नहीं डालोगे तो वो जल जाएगी। तो आप बिल्कुल सिम पे 000 पे कर दो, बिल्कुल सिम। और सिम पे करके बिसल्स नहीं आनी देने, क्योंकि बिसल्स आएगी भी नहीं, उसमें सीटियां नहीं आएंगी। और भाप में ही सब्जी आपकी बन जाएगी। ज़्यादा टाइम देख के 5 से 6 मिनट बाद आप गैस बंद कर दो और उसका प्रेशर मत निकालना, सब्जी आपकी ऐसे ही रेडी हो जाएगी। तो इस ट्रिक से आप ज़रूर बनाना। तो आपको बिल्कुल सिम पे, देखो मैंने सिम पे कर दिया है और अब इसको मैं जब खोलूँगी तो बिल्कुल मेरी सब्जी रेडी होगी। 5 से 6 मिनट बाद गैस बंद कर दो, अपने आप इसका प्रेशर निकलने देना, उसके बाद आपकी सब्जी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए पूरा किचन, थोड़ा सा भी काम करो चाहे ज़्यादा करो पूरा किचन फैल जाता है। ये देख रहे हो आप मेरे को स्वेट कितनी हो रहा है, स्वेटिंग कितनी आ रही है मुझे, देख रहे हो आप, इतना ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, इतने ज़्यादा कि बस। और किचन में ना कोई पंखा है ना कुछ है, जो इधर की तरफ कूलर चलता है, पंखा चलता है, उधर की हवा किचन की तरफ नहीं आती बिल्कुल भी। तो मैं इनका क्या कर सकते हैं भाई, काम तो करना ही है। लेकिन यही है कि मैं पूरे दिन में कम से कम 3-4 बार नहा लेती हूँ, ज़्यादा ही हो जाता होगा बल्कि। तो ये मैं डुगू को खाना दे रही हूँ क्योंकि उसको देना ज़रूरी है थोड़ा सा खाना, ज़्यादा तो डॉक्टर ने मना किया है। फिर ये कुछ बर्तन थे, मैंने कहा इसे भी क्लीन कर लूँ हाथ के हाथ, क्योंकि ज़्यादा होते जाते हैं फिर होते जाते हैं। तो ये थोड़े से बर्तन थे, इसको मैंने कहा चलो फटाफट से क्लीन करके फिर पूरी किचन समेट दूँगी। तो बाहर की वॉइस बहुत आती है, मेरा ग्राउंड फ्लोर क्या है मैं तो परेशान हो जाती हूँ, मैं वॉइस ओवर ही नहीं दे पाती हूँ बिल्कुल भी, डर के मारे देती हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई चीख देता है, बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कोई, इसलिए मुझे ना थोड़ा वो रहता है। लेकिन अब मैं दूँ तो कब दूँ वॉइस ओवर, इस वजह से मैं कहती हूँ कोई बात नहीं छोड़ो, मुझे पता है आप बहुत समझदार हो, आप समझोगे मेरी इस बात को। तो देखिए आपसे बात करते करते बर्तन भी धुल गए। काश इसी तरीके से फास्ट फॉरवर्ड करके मेरे घर के काम रियल में होने लगे तो कितना अच्छा रहे। तो चलिए ये हो गया काम सारा। और गर्मी मुझे इतनी लग रही है कि बस मैं बता नहीं सकती, एक गर्मी और एक मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट कर रही है इसी वजह से, गर्मी की वजह से। पसीने तो मेरे एक सेकंड के लिए बंद नहीं होते बिल्कुल भी, तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो किचन हो गया मेरा क्लीन, सब्जी मेरी रेडी हो गई है। देखिए मैंने प्रेशर अभी इसका निकाला नहीं है, अपने आप ही उसमें हो रही है सब्जी। तो चलिए सब्जी बन गई है तो फिर हम रोटी भी बना लेते हैं। ये मेरा दोपहर को मैंने आटा गूंदा था, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ का मैं एक ही दिन में एक ही बार आटा गूंद लेती हूँ, वो रात को भी हो जाता है। तो इसके मैं पराठे बना लूँगी जल्दी जल्दी से, क्योंकि जब गर्मी हो ही रही है, पसीने आ ही रहे हैं, तो कोई बात नहीं काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। तो आपका किस तरीके का रूटीन रहता है, आप क्या करते हो रात में, तो मुझे भी ज़रूर शेयर करना। तो आपसे बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए आपसे बातें करते करते पराठे बन रहे हैं फटाफट से, क्योंकि रात में रोटी अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है, रोटी मुझे कड़ी वगैरह से अच्छी लगती है, लेकिन और कोई नॉर्मल सूखी सब्जी वगैरह होती है तो उससे पराठे ही अच्छे लगते हैं, प्लेन पराठे। तो इसीलिए मैं फटाफट से पराठे बना के और फिर मैं एक बार और किचन को साफ करके फिर मैं जाऊँगी नहाने। तो इसी तरीके से मेरा रूटीन रहता है और फुल डे रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बस थोड़ी सी और मैं फ्री हो जाऊँ उसके बाद, क्योंकि डुब्बू से आपको पता है अभी तक जितनी वीडियोस आपने देखी आपको पता चल गया होगा मैं डुब्बू से कितना प्यार करती हूँ। तो उसको परेशान देख के ना मेरा दिमाग बिल्कुल, आप मानोगे नहीं, मैं किचन में करने कुछ और जाती हूँ, मैं कुछ और ही करने लगती हूँ। मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते हैं तुम क्या करते हो, क्या बोला है, क्या सुन रहे हो। तो
दिमाग ना भी मेरा बटा हुआ है बहुत ज़्यादा, इधर उधर है दिमाग मेरा भी, तो यही रहता है मेरा रूटीन। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और भी अच्छे व्लॉग के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।